सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी, सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। घट घट बासी अंतरयामी, घट घट बासी अंतरयामी। तुम सतगुरु हो मेरे नामी, तुम सतगुरु हो मेरे नामी। दया करो मेरे दाता, दया करो मेरे दाता। इस तेरे लोक में तुम ही हो संगी, इस तेरे तुम ही से मेरा नाता, तुम ही से मेरो नाता। दाता रघुवर श्याम बिहारी, दाता रघुवर श्याम बिहारी। तुम भेद बतायो, सतगुरु तुम भेद बतायो। परम पिता मोर नाता, परम पिता मोर नाता। दाता सतगुरु परम दयालु, दाता सतगुरु परम दयालु। नाम भजन मनाता, नाम भजन मनाता। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो, सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। तुम ही हो मेरे दाता, तुम ही हो मेरे दाता। नाम भेद हो नाम भजनिया, नाम भेद हो नाम भजनिया। नाम ही नाम सुहाता, नाम ही नाम सुहाता। स्वर्ग मिले सतगुरु मोरे स्वामी, स्वर्ग मिले सतगुरु मोरे स्वामी। गुरु नाम भजन मन दाता, नाम भजन मन दाता। सतगुरु तुम्हारी चरण वंदना, सतगुरु तुम्हारी चरण वंदना। तुमको शीश झुकाता, तुमको शीश झुकाता। सतगुरु क्यों बोला जाता है? सतगुरु ये है हमारे स्वामी जी महाराज। जय गुरुदेव नाम प्रभु रा और सतगुरु स्वामी जी महाराज। हमारे संदेश पत्रिका देखो, सबसे पहले ही लिखा है सतगुरु की अखंड वाणी, और उसमें वाणी किसकी लिखी है? स्वामी जी महाराज। उसको पढ़ करके
हमें नाम भजन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अब स्वामी जी महाराज के दर्शन किए, दसियों साल हो गए बाहर से, तो हमको जो नाम दान दिया है, तुमको जो नाम दान दिया है, उससे हमको तुमको नाम भजन करके अंदर वाली आंख से स्वामी जी महाराज के दर्शन को करना। तो प्रेमियों, उस दर्शन को पाने के लिए नाम पक्का होना चाहिए, रटा रटाया होना चाहिए, ये नहीं कि एक याद है दूसरा भूल गए। तो काम कैसे चलेगा, भूल गए तो याद कर लो, किसी दूसरे से पूछ लो, तब तो काम बनेगा। अब प्रेमियों, नाम भजन करने के बाद हमारी तुम्हारी सूरत कहाँ जाएगी, किस देश में पहुंचेगी, ये स्वामी जी महाराज ने बताया कि जीते जी तुम यहाँ इस मृत लोक में हो, और जीते जी अगर तुम चाहो तो उधर स्वर्ग लोक में भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें नाम की कमाई करनी पड़ेगी। नाम की कमाई क्या है, सुमिरन ध्यान भजन करना होगा सुबह और शाम। सुबह शाम के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को लग करके सुमिरन ध्यान भजन करना, या कोई भी आएगा तो यही कहेगा भैया भजन के लिए, घंटे के लिए नहीं कहेगा, तब ये तो कहवे करेगा कि भजन करो, ये तो नहीं कहेगा कि भजन मत करो, पर आप भजन करोगे कि नहीं करोगे इसके बारे में आप ही जानोगे। सत्संग सुननी, पूरी खाने में बहुत भीड़ लगती है, लेकिन भजन करने में भीड़ नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें अकेला बैठना है, दो लोग हो घर के तो एक साथ बैठ जाओ, अगर सामूहिक स्मरण ध्यान भजन कर लो गांव में दस लोग हो तो और भी दया कृपा उतरेगी, पर वो कहेंगे हम इनके द्वारे नहीं जाएंगे, ये वहां जा रहे हैं, हम इनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, ये वहां जा रहे हैं, भेद। अरे भाई, किसी को सत्संग अच्छा लगा तो वहां चला गया, किसी को सत्संग अच्छा लगा तो वहां चला गया, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन तो एक ही तरीके का है, नाम तो एक ही तरीके का है, सुमिरन ध्यान भजन तो एक ही तरीके का है, इसमें वैमनस्यता किस बात की, मन की बात है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आपकी इच्छा है कि हम वहां जाएंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे। प्रेमियों, नाम दान मिला स्वामी जी महाराज से, नाम दान मिलने के बाद आपने सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया तो किसी बात की आप सत्संगी नहीं, आपको दिखाई सुनाई नहीं पड़ा तो नाम दान किस बात का। अरे लिया है तो लग करके सुमिरन करो, लग करके ध्यान करो, और स्वामी जी महाराज से अपने गुरु से रो कि हे मालिक दया कर देता, हम आओ का लौक जाते, कुछ चमई चुमु कुछ चुमई चा बोलत, मतलब कुछ ना कुछ अंदर में बोलता और कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता, जब दिखाई पड़ने लगेगा तो मन लगने लगेगा, सुनाई पड़ने लगेगा तो मन लगने लगेगा। अभी थोड़ी देर पर रामलीला होगी, रात को जब बजने लगेगा तो बड़े ध्यान से आप सुनोगे कि कौन सा गाना बजा रहा है इसका। वैसे अंदर में जब बाजा बजने लगेगा, दिखाई पड़ने लगेगा, सुनाई पड़ने लगेगा तो अंदर में आप चलने लगोगे, लेकिन उसके लिए अपने स्वामी से रोना पड़ेगा, अपने सदगुरु से रोना पड़ेगा। पहले भी वही स्वामी मदद करते थे और आज भी वही स्वामी मदद
करते हैं, कोई दूसरा स्वामी नहीं है। नाम जिसने जगाया मदद तो वही करेगा, कोई दूसरा मदद करेगा? जिसने नाम जगाया वही मदद करेगा, वही नाम ही है। उसने नाम भेद बताया है और उसने उसको गुरु सदगुरु उस अनामी महाप्रभु सदगुरु से दया मिली है, पावर मिली है कि भाई इस नाम में हम पावर दे रहे हैं और इससे आप भजन करवाओगे तो हम मिलेंगे। राम जी कैसे मिलते हैं? राम जी मिलते हैं जब राम जी को आप मानोगे तब तो राम जी मिलेंगे। आप राम जी का नाम ही नहीं लोगे और जब गुरु महाराज ने बताया गुरु महाराज की माला पहले करो उसके बाद में राम जी की ही माला है, लेकिन राम जी की यादगारी करोगे तो राम जी मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी कहीं दूसरे जगह नहीं है, राम जी यही है। राम जी इस तरह दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आपने देखा होगा कि धनुष बाण लिए राम जी वनवास जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, तो किस तरह खड़े हैं रामायण में आपने देखा। अरे उसी तरह आप ध्यान लगा तो राम जी इसमें दिखेंगे और कहेंगे भक्तराज बोलो क्या मदद करें तुम्हारी, क्या चाहिए तुम, तुम्हें जो चाहिए मांग लो और नहीं तो कह दो हे प्रभु गुरु की भक्ति आपकी भक्ति हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मोक्ष मिल जाए, निर्धाम मिल जाए, खाना पानी तो मिल ही रहा, दो वक्त की रोटी मिल रही है, अब इससे अधिक का क्या जरूरत। ए प्रभु ये जो कोठी बंगला वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले हैं, ये भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, हमारे तुम्हारे नहीं कोठी बंगला है छप्पर है तब भी तो हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? नाक उसी तरह की है, कान उसी तरह का है, आंख उसी तरह का है, परारब्ध है, परारब्ध उनका है कि वो कोठी बंगले में रह रहे, परारब्ध हमारा है कि इस छप्पर के नीचे रह रहे हैं और इस छप्पर के नीचे रह रहे हैं तो पूरी दया गुरु महाराज की उतर रही है। कम से कम राम भजन करते तो अगर ज्यादा रुपया हो जाता और बैंक में कुछ रखते, कुछ घर में चोरी से रखते, डर लगा रहता कि कहीं छापा आ जाए। इसी डर में रात में नींद नहीं आती, जब रात में नींद नहीं आती तो नींद की गोली खाना पड़ता, धीरे धीरे हार्ट की बीमारी हो जाती। तो प्रेमियों हमको तुमको तो उतना ही मिला, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भय भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। हमको तुमको तो उतना ही मिला है, कोई झंकने की बात नहीं कि हमें तुम्हें झंकना पड़े। मालिक दे रहा है, काम पूरा हो रहा है, हम सब खा पी रहे हैं और जब खा पी रहे हैं पहनने ओढ़ने को मिल रहा है तो गुरु की दया है, गुरु की कृपा है, सबको ऐसे नहीं मिलता, कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। तो प्रेमियों अपनी इस देश में आए हैं, इस देश में कर्म का विधान है, कर्म का देश है, कर्म विधान विश्व रच राखा जो जस्तीन तास फल चाखा। तो यहाँ कर्मों का विधान है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो जहां तक हो सके अच्छा से अच्छा किया जाए और जब अच्छा से अच्छा किया जाएगा तो अच्छी दया कृपा मिलेगी और मालिक की अनुकंपा होगी, मालिक का आशीर्वाद होगा और मालिक का आशीर्वाद हमको तुमको मिलता रहे, समझो सारा दौलत मिल गया, सारी दौलत मिल गई, मालिक का आशीर्वाद मिलता रहे, मालिक के दर्शन होते रहे, दिखाई सुनाई पड़ता रहे, अंदर में शयन में या बैंक में स्वामी जी महाराज के दर्शन हो, यही सबसे बड़ी बात है। कहते हैं इधर देते रहो दर्शन,
इधर देते रहो दर्शन, उधर मर्जी तुम्हारी है। हमारे नाम के रक्षक सतगुरु जय गुरुदेव मुरारी। तो नाम के रक्षक तो गुरु महाराज, ये सतगुरु, ये स्वामी जो बैठे हुए हैं, ये दाढ़ी वाले, हमारी लोगों की दाढ़ी क्या है? दाढ़ी तो उनकी है, दया मेहर तो उनकी, उन्होंने दया क्या दिया तो दया हो गई। अरे प्रेमियों, आप लोग दौड़ दौड़ करके मथुरा आश्रम, खेतौरा आश्रम, जगह जगह पर, और जब गुरु महाराज इस गाजीपुर में आ जाए तब, और बगल अगल के जिले में आजमगढ़ बनारस बराबर दौड़ दौड़ करके आप लोगों ने दर्शन किया, दर्शन किया, सत्संग सुना, तो उन्होंने राम नाम का सत्संग सुनाया। राम नाम का भजन करोगे, राम राम का सत्संग सुनोगे, महात्मा निर्मल पवित्र होगी, राम जी की दया कृपा बरसेगी। अब आप राम राम करना नहीं चाहते, आप सोचते हो कि ये तो क्या है, ये पता नहीं किस तरह। अरे हम कहते कितना भी गंदा आदमी हो, भैया जय राम जी की, भैया जय बोले, भैया सतगुरु, भैया जय राम जी, रोज कहो, अगर वो जिद्दी है तो किसी ने इस तरह बोलेगा बड़ी, उसके बाद में धीरे धीरे सोचेगा ये भाई हम नहीं बोलते हैं, फिर भी ये रोज हमको हाथ जोड़ करके कहते हैं सतगुरु जय बोले, तो कम से कम चलो हम बोल दिया करेंगे। उसके बाद में जब धीरे धीरे बोल लेना तो बताओ बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। उसको शाकाहारी के बारे में बताओ कि प्रेमियों, ये जो पेट है, पेट ये कब्रिस्तान मत बनाओ, ये कब्रिस्तान मत बनाओ। अगर शमशान में जाते हो, लौट के आते हो, स्नान करते हो और उधर मुर्दा फूका और मूर्तियों को अगर पेट में डालते हो तो शमशान हुआ कि नहीं हुआ? तो कब्रिस्तान मत बना, दया करो, दुआ करो उस प्रभु से, दया दुआ की भीख मांगो और सच्चा रहो। देखो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल, मंदिर किराए का मकान मालिक की दया कृपा से मिला, प्रभु राम की दया कृपा से मिला है, उस प्रभु की सतगुरु की दया कृपा से मिला है, सतगुरु की दया कृपा से मिला हुआ ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उसको मिला हुआ। इसमें कई दरवाजे हैं, कई कुंडलिनियां हैं, इसमें 10 दरवाजे। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मकान में 10 दरवाजे। लोग सोचते हैं कि ये 10 दरवाजा कैसे होगा, पर 10 दरवाजे हैं, हम आपको गिनवाते हैं। आप गिनो कि आपके पास 10 दरवाजा है या नहीं है। देखो, एक मुंह द्वार, एक दरवाजा, दो नाक एक इधर से निकल रही, एक इधर से निकल रही, 3 हो गया, 2 आंख 5 हो गई, 2 कान 7 हो गया, कितना हुआ? एक टट्टी का रास्ता, एक पेशाब का रास्ता, 9 हुआ कि नहीं हुआ? 10वां दरवाजा वो है जिस पे तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। जब रात में सो जाते हो, स्वप्न देखते हो, तो किस आंख से देखा? उसी मन की आंख से देखा ना, तो जो मन की आंख से देखा जीवात्मा की, वो दरवाजा भगवान वाला, प्रभु वाला, ईश्वर वाला, ये मिला करके हुए 10 दरवाजे। तो रंग महल के 10 दरवाजे और एक ही में लागल ताला, एक ही में ताला लगा हुआ। ताला कैसे लग गया? ये माताएं बहने गेहूं साफ करने लगी तो तमाम घुन महाराज उसमें निकल आए,
उनको इधर उधर फेंका गए मर दस तीस, कहीं पैर के नीचे चीटी पड़ गई, कहीं क्या हो गया, कहीं क्या हो गया। इसी तरह धीरे धीरे करके पाप पुण्य इकट्ठा होता गया, यहाँ जमा हो गया। पुण्य एक पुण्य होता तब तो अच्छा होता, लेकिन उसमें पाप पुण्य जमा हो गया। अब वो जलेगा कैसे? गुरु के अमृत गंगा जल। गुरु के अमृत गंगा जल कौन सा है? नामदान। पांच नाम का नामदान, एक अनि अनामा का एक नाम का नामदान। सतगुरु जय गुरु, सतगुरु जय गुरु, सतगुरु जय गुरु। हनुमान जी क्या करते? हनुमान जी माला नहीं ले रहे। हनुमान जी 24 घंटे जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम, जय 24 घंटे उनका एक ही काम। चलो भाई, हमारे तुम्हारे पास इतना मौका नहीं है, बाल बच्चे हैं, खेती दुकान दफ्तर है, तमाम चीजों को देखना है, लेकिन सोते समय जब चारपाई पर जाते हैं खा पे करके सोने, तब तो मौका मिलता है कि नहीं मिलता? तभी जब लो राम 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 राम, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, तभी जब लो। और सुबह जब उठो, नित क्रिया से निवृत्त हो जाओ और आओ, अपने गाय बैल को चारा भूसा दे दो सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे गाय बैल को चारा भूसा दे दो। चारा भूसा देने के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, हाथ धो करके, आंख बंद करके, हे प्रभु हम तुमको समय दे रहे हैं, जो हो सके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर से जप लो। गुरु किया है तो उसकी माला ले लो, नहीं किया है तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अगर ये भी नहीं किया है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जो तुम्हारी समझ में आ जाए, पर भजो जरूर। और अगर किया है, सुन लिया है, तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो ये बाबा जी, ये दाढ़ी वाले बाबा जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको मिलेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो ये बाबा जी, दाढ़ी वाले सतगुरु जय गुरुदेव जी बाबा जी मिलेंगे और आपको दर्शन देंगे, कहेंगे बच्ची क्या हाल है, क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है, तुम उनको बताना। अंदर में नहीं बता पाना स्वप्न में, तो बाहर से कहना उनकी चित्र के पास कि हे मालिक हमको ये तकलीफ है, दया करो हमारा सुमरण ध्यान भजन बन जाए, हमारो नाम भजन बन जाए, हमारा भी राम नाम बन जाए, तो दया करेंगे। अरे भागवत में जाते हो, पंडित जी सुनाते हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, जरा हथौड़ी बजाए जाओ, हरे 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 राधे श्याम। क्यों बजवाते? 7 दिन तो आप बजा लेते हैं, 8वें दिन दधिकांधो होता है, पंडित जी घर को चले जाते हैं, दक्षिणा पाते हैं, आप अपने घर में कर नून तेल लकड़ी, नून तेल लकड़ी, नून तेल लकड़ी, और मोच रहा कड़ी, कोनो काम नहीं। उसके दिन से ना तो राधे श्याम, ना हरे हरे, ना कोई श्याम, बस फिर वैसे। अरे भाई रटाते हैं, आते हैं, बताते हैं कि रोज करना, तो 10 बंदों के सामने तो आपने कर लिया, और अकेले अकेले नहीं किया, तो अकेले भी करो। ये कुंडलिनियां हैं, गुदा द्वार, लिंग द्वार, नाभि चक्र, वक्ष चक्र और कंठ चक्र, ये तमाम से चक्र, ये जागृत होंगे, अंदर में भगवान जी बोलेंगे, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अनुभव अनुभूति होगी, प्रभु की अनुकम्पा होगी, और जीते जी भगवान दिखाई पड़ता है। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई कि आई है प्रेम, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई, वहां से कोई डाक खाना नहीं है कि जो है भैया ये फला के। जीते जी गोस्वामी जी ने रामायण लिखा है, जीते जी जाने के बाद नहीं,
और उस रामायण को सुनाया राम राम की कथा जीते जी जो घर घर में सुनाई जाती है जीते जी इसी कलयुग में और राम राम का सच्चा रास्ता बताया इसी कलयुग में। किसने? वो स्वामी जी। वैसे आपको राम नाम का सच्चा रास्ता स्वामी जी ने बताया तो जब स्वामी जी के पास जाओगे तो सच्चा रास्ता राम नाम का मिलेगा। तो प्रेमियों अब तुम्हारे अंदर बहुत से देवी देवता बैठे अब तुम जान रहे हो कि नहीं बैठे कैसे बैठे होंगे गुदा द्वार है वहां गणेश और सावित्री है लिंग चक्र है ब्रह्मा और सरस्वती है वह नाभि चक्र है विष्णु और लक्ष्मी है वक्ष चक्र है वहाँ शिव और शक्ति है। बिना शक्ति के शरीर चलेगा? अगर ताकत नहीं होगी शरीर चलेगा तो शक्ति नहीं होगी शरीर कैसे चलेगा। और ये शरीर शिव है इसके अंदर शक्ति है। कंठ चक्र है इसमें आज्ञा महाशक्ति है एक जो कमल दो दल कमल छह दल कमल अष्ट दल कमल इस तरह से ये चीजें हैं। इसमें देवी देवता इस तुम्हारे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठे हुए हैं और तुम सोच रहे हो कि अरे भगवान जी उधर मूर्ति में बैठे हैं। असली भगवान की बनाई हुई मूर्ति ये ही है ये तुम्हारा शरीर और इसी में से दरवाजा गया है भगवान जी के भजन करने के लिए इसी में से दरवाजा और इसी में अंदर अंदर तुम्हारी जीभ नहीं रहे श्वास चलती रहे जिभ्या नहीं रहे अंदर में बोलते रहो सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव। देखो बोल करके पंद्रह दिन बोल करके सुबह शाम देखो ज्यादा नहीं 15 मिनट मन लगा करके सुबह और शाम को देखो देखो बाबा जी मिलते हैं कि नहीं मिलते ये बाबा जी मिलेंगे और अगर ये भगवान जी हैं तभी तो मिलेंगे नहीं तो कैसे मिलेंगे बाबा जी मिलेंगे। तो प्रेमियों राम नाम जपने की जरूरत है नाम भजन करने की जरूरत है। नाम भजन कर लोगे राम रतन कर लोगे तो जपने और सुनने सुनाने की जरूरत है। इस देश में आए हो ये देश अपना नहीं है ये मनुष्य रूपी मानव पोल पानी का एक बुलबुला है पानी के बुलबुले से ज्यादा ये नहीं जैसे पानी में बुल्ला उठता फूक फूट जाता है वैसे जीवात्मा इसमें शरीर से निकल जाएगी शरीर गिर जाएगा फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है बस जल्दी कहेंगे जल्दी करो घाट पे ले चलो राम नाम सत्य सत्य बोलो मुक्त है ये ले जाएंगे। और तब तक तो आप पिताजी माताजी भैया और दादी और दादा रहे लेकिन जैसे शरीर से जीवात्मा निकली और शरीर धाम से गिरा वैसे कंडे की आग जल जाएगी सरसों गिराते हुए जाएंगे। उसके बाद में ओझा जी के यहाँ कुछ दिन के बाद में जाएंगे अगर बुखार उखार आ गया तो तेरा ही कसवा हो गया और अगर बुखार उखार आ गया कुछ हुआ तो कहा ओझा जी के लगे चला देखावा तनकी बाबा मरल रहे कतो भूत तो नहीं हो गए। अब ओझो जी 1500 के काम ओझो जी का बन गया और तुम्हारा भ्रम भी दूर हुआ कहा भैया 4 कीड़े लाओ हम फूक देते हैं पनिया है घर में चिरक देना 1051 हमको दो और तुम्हारा कल्याण हो। अब 1051 ओझा जी को मिल गया और इधर तुम्हारा 1051 लग गया तो तुम्हारा मन लग गया कि हमने पैसा दिया बढ़िया मंत्र वाला काम हुआ है। और जो बाबा बिना मंत्र के बिना पैसे के मंत्र फूंक दे उस पे तुमको विश्वास नहीं होगा। तो अगर 5051 10051
अब बाबा आए हैं, एक को रुपया नहीं मांगेंगे, और जो बाबा आएंगे 5051 दाता तो है गुरु मंत्र देंगे, 10051 चला और सब सामान पीता पानी दाता तो है नाम दान गुरु मंत्र दे। तब उसमें लगा पैसा और महाराज है यही कहेंगे राम राम भजना, किस तरह भजना इससे कोई मतलब नहीं। और यहाँ मतलब है कि तुम किस तरह भजोगे, किस तरह राम नाम करोगे, बराबर तुम्हारे गुरु भाई बहन अगल बगल वाले पूछने आएंगे, बताने आएंगे कि बताओ कि तुम्हारा नाम भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ भैया जी हो रहा, नहीं बन रहा तो बताएंगे तुम इस तरह से नहीं, इस तरह से करो तो तुम्हारा बनी। यहाँ इस तरह का काम होता है तो प्रेमियों अंदर में दिखाई सुनाई नहीं पड़ा तो मुक्ति मुक्ति कैसे मिलेगा। आए हो धाम में, ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान के भजन करने के लिए, प्रभु के भजन करने के लिए। आप जब गर्भवास में थे तो गुरु महाराज के अलावा भगवान जी से कॉल करार हुआ, भगवान जी से कॉल करार हुआ तुम्हारा कि हे भगवान जी आप हम पर दया कर दीजिए, हम गर्भवास से बाहर जाएंगे तो तुम्हारा 24 घंटे भजन करेंगे। क्या कहते हैं आप, अब प्रभु दया करो यही भांति सबका भजन कर दिन रात कि दिनों रात भजन करेंगे। और यहाँ आने के बाद ना भजन है ना ध्यान है, वो भी भूल गए। वहां दिखाई पड़ता था कि राम जी वो है, ज्योति चमकती थी। देखो बच्चा पैदा हुआ है 8 दिन का है, 2 सेल वाली टार्च उसके आंख पर लगाओ, आंख बंद नहीं करे, इस तरह का दीपक दिखाओ बड़े प्रेम से देखेगा, थाली बजाओ बड़े आराम से सुनेगा, और थाली बजाना बंद कर दो रोना शुरू कर दे। क्योंकि उसने जो जो कुछ वहां देखा उसकी नकल आप इधर कर रहे हो तब तो बड़े आराम से देख सुन रहा, और जैसे बंद हो जाता तैसे रोना शुरू कर देता, मैं कहा। वो उधर देखता था प्रभु जी के दर्शन होते थे, यहाँ आने के बाद प्रभु जी के दर्शन नहीं होते। प्रेमियों संत मत में 12 साल की लड़की या 12 साल का लड़का हो जाए तो उसके बाद वो नाम भजन कर सकता है, प्रभु का भजन कर सकता है। इस तरह से तो छोटेपन से ही वो नाम जप सकता है, लेकिन 12 साल का हो जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ ज्ञान हो जाएगा और अच्छे से भजन कर सकता है। तो सतगुरु का भजन, सतगुरु राम नाम सुखदाई, सतगुरु राम नाम सुखदाई, हमने गाया तुमने गाया, हमने गाया तुमने गाया, गाएंगे सब भाई, गाएंगे सब भाई, सतगुरु राम नाम सुखदाई, सतगुरु राम भजन मुक्ति की पूंजी, राम भजन मुक्ति की पूंजी, यह संसार गवाई, यह संसार गवाई, सतगुरु राम नाम सुखदाई, सतगुरु राम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे,
सुखदाई सतगुरु संग में राम पियाए सतगुरु संग में राम पियाए और झमेला दुखदाई और झमेला दुखदाई सतगुरु राम नाम सुखदाई सतगुरु प्रेमियों जो चीज सुखदाई हो आनंद देता हो सभी लोग आते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुना के पंडित जी आते हैं वो भी कहते हैं भगवान का भजन करो हरि का ये करो सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा तो जो स्वामी आते हैं वो कुछ ना कुछ बतलाते हैं कुछ ना कुछ समझाते हैं और कुछ ना कुछ दया दुआ देते हैं प्रेमियों आप जब नाम भजन करोगे तभी कुछ मिलेगा जब बोलो तब राम राम खाली जिभ्या कौने काम तो वैसे जब बोलो जब सतगुरु का नाम शाकाहारी सदाचारी रहो और रोज जब निकलो तो नहीं है तो दो चार बंदों से कहते रहो भैया हमारे गुरु महाराज का आदेश है शाकाहारी हो चाचा कोई बात नहीं अगर वो कहता चाचा तेरे जैसे बहुत आते तो कोई बात नहीं सुन लो आगे बढ़ो उसके बाद में दूसरा मिल ले भैया गुरु महाराज का आदेश है शाकाहारी हो और क्या तुम्हारे गुरु महाराज का आदेश तो बताओ कि गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन होगा परिवर्तन ऐसा होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं परिवर्तन 18 मिनट में होगा महाभारत 18 दिन में हुआ और जब किट्यू बम फूटेंगे जनता मरेगी त्रायमाम त्रायमाम होगा तो एक संत ऐसा होगा जो ऐसी आंधी चलाएगा जिसमें हाथी उड़ता हुआ नजर आएगा तो प्रेमियों विदेश बम फेंकेगा भारत के ऊपर तो यहाँ महात्मा जी होंगे वो 100 बम फेंकेगा तो 75 तो वापस करेंगे 25 यहाँ फूटेंगे जिससे पापियों का सफाया होगा तो प्रेमियों अगर गांव में आग लग जाए तो 10 शाकाहारी हैं 10 मांसाहारी हैं तो घर तो सबके जलेंगे जलेंगे कि नहीं जलेंगे घर तो सबके जलेंगे पर उसमें बचाव होगा अभी एक बीमारी आई थी इसका नाम था कोरोना उसमें जो बैलों को मोहरा पहले लगता था कि चारा मत खाना किसान लगाता था मोहरा वैसे जो है सभी आदमियों को मोहरा लगाना पड़ा अब तो फिर न्यूट्रल हो गए नहीं सभी लोग नाक पर लगाए यहाँ से यहाँ इधर कोई गमछा बांधे कोई क्या करे कैन कोरोना अरे जिसको पकड़ना है उसको तो पकड़ ही ले गया जिसको मारना था उसको मार ले गया गुरु महाराज ने कहा सुन लो भारत के ने नारी निकल पड़ी है बीमारी 34 हाहाकार मचेगा है मुसीबत बड़ी भाई गुरु महाराज ने चेतावनी में चेता दिया प्रार्थना के अनुसार उसको बता दिया गया समझा दिया गया नहीं कोई समझा इंटरनेट पे निकलवा दिया गया अब कोई कह रहा ऐसा नहीं ऐसा है कोई कह रहा वैसा नहीं वैसा है तो वैसे वैसे को क्या किया ऐसे वैसे को क्या किया अगर भजन करोगे अंदर में तो कल पानी बरसने वाला है तो पता रहेगा कि कल पानी बरसेगा तुमको अंदर में दिखाया जाएगा कि पानी बरसेगा अपनी धान की फसल को उठा लो या अपना छप्पर ठीक कर लो वो बताएंगे
कल ये होगा, परसों होगा, और भजन नहीं करोगे तो कोई नहीं बताएगा। राम जी का भजन सबसे ऊंचा भजन, गुरु जी का भजन उससे ऊंचा भजन, सदगुरु का भजन सबसे ऊंचा भजन। अब जैसे मर्जी चाहे वैसे भजन कर लो। नाम भजन करोगे पूरी दया मेहर उस मालिक की उतरेगी। देखो राम जी थे, राम जी से पूछा लोगों ने कि हे प्रभु, इतना बड़ा राक्षस रावण, आपके दो ही हाथ उसके कई कई हाथ हो जाते थे, आपने कैसे मारा उसको, कैसे मारा? तो कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूंज हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूंज हमारे, तीन की कृपा दनुज रण। ये हमने अपने गुरु की कृपा दया से मारा, उनके प्रताप से मारा। अच्छा ये बताओ प्रेमी, टोना का मंत्र पढ़ते हो या कुछ भी झाड़ धूप का मंत्र पढ़ते हो तो बाद में ये कहते नहीं गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पूर्व मंत्र सुरोवाचा, कहते हो कि नहीं कहते? वहां गुरु की शक्ति गुरु की भक्ति, तो गुरु महाराज से तो सारा काम करवाते हो, गोबर की डलिया भी उठवाते हो, धान भी कटवाते हो, गेहूं भी बोवाते हो, तरह तरह के काम भगवान जी से ले रहे। प्रभु दया करो ये हमारा काम नहीं बदला, करते हो कि नहीं करते? सब लोग पहले जब डॉक्टर साहब के यहाँ जब बीमार जाता है और डॉक्टर साहब का बस नहीं चलता तो कहते हैं भैया गंगा जल पिलाओ, भगवान जी से प्रार्थना करो, भगवान जी अब मदद करेंगे, बाकी कोई है वही नहीं, हम तो नाम नाम के आला वाला बेकार है, अब क्या करें, जितना लूटना था उतना लूटी गए, अब काम नहीं चल रहा दुगाई से तो कौन सी दवाई मिले। तो इसलिए प्रेमियों हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बुजुर्गों ने क्या किया, काढ़ा पिया, घास फूस का काढ़ा पिया, कभी दवाई नहीं खाई, बीमारी उनको नहीं आई। और आजकल जैसे बुखार आया फौरन डॉक्टर साहब के 500 रुपए का बन गया बिल, भैया बुखार बहुत तगड़ा वाला है, ये है वो है। दादा के अगर बुखार पकड़ा तो दादा ने कहा काढ़ा लिया नमक वाला, 5 दिन पिया, दादा फिर से चंगे हो गए, 1 भी रुपया नहीं लगा। और भैया जी के जब बुखार पकड़ा तो 500 का पत्ता रोज लगा। तो प्रेमियों दादाजी ने भगवान जी पे भरोसा रखा, अपने प्रभु पर भरोसा रखा तो उनका 1 रुपया नहीं लगा। और भैया जी को आज भरोसा नहीं, उनको भरोसा है कि 500 वाली दवाई जल्दी लाओ, जल्दी खाओ, नहीं काम नहीं बनेगा। तो प्रेमियों ये है, तो आप लोगों से विनती प्रार्थना है कि आप लोग लग करके सुमरन ध्यान भजन करो, समय खराब है। सुमरन ध्यान भजन करोगे वो तुमको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। जो कुछ भगवान का भजन करोगे तुम अपने लिए करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे। तो मगर करो, जब तुमको भगवान जी ने दाल रोटी सब्जी चावल सब कुछ खाने पीने को दिया है तो भगवान जी का शुक्राना अदा करो। जब आपकी थाली निकल के आए भोजन की तो हाथ जोड़ो कि हे प्रभु आपकी दया कृपा से भोजन प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, आप भी भोजन प्रसाद कर लो, तब वो प्रसाद हो जाएगा। भोजन निकला लारे फौरन हनक से बोले आप, बड़े गरज करके मानो कोई पहाड़ धकेल करके आए हैं। अब वो तो डर के मारे ला करके रख दिया, ला भेड़ा करी लड़ा और खा रहे हैं। तो हर प्रकार से आप उसी तरह, तो मतलब कहने का ये कि मानवता चली गई। अब आपको करना क्या है, सुमिरन ध्यान भजन प्रभु सतगुरु का ज्ञान पाने के लिए सुमिरन ध्यान भजन तो करना ही होगा, और नाम भजन करते हुए अपने प्रभु परमात्मा को याद करना होगा। गुरु जय गुरुदेव।
क्यों